टॉपिक हमारा स्टैटिक है. स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक मैटर्स, व्हाट इज स्टैटिक क्लास, ये अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओके, मैंने अभी एक क्लास बनाई है ए. ओके, हमने क्लास एक बिल्ड की है, ए क्लास, जिसके अंदर मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम, इंच, एज, और दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पे डबल मार्क्स, जो भी आपने बनाना. ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं void abc, एक बना लेता हूँ void xyz, कुछ भी हम आज में आउटपुट दे रहे हैं. डन. ओके, इन सबको अभी मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, इन सबको यूज करते हैं. ये आपका मेन है, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक का ए, ए वन इज इक्वल टू न्यू ए. डन. आपने वेरिएबल्स बनाए हैं ए के अंदर, कितने वेरिएबल्स बनाए हैं? थ्री वेरिएबल्स. आप यहाँ पे लिखते हो ए वन डॉट, आपको तीनों वेरिएबल शो हो रहे हैं, एज, मार्क्स, नेम. डन. क्या लिखोगे? ए वन एज इज इक्वल टू 24, ए वन डॉट नेम इज इक्वल टू, ये हमारा स्ट्रिंग में था, जो डबल कोट्स में दोगे वैल्यू, समान, ए वन डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 54. क्लियर. फंक्शन कॉल करना हो ए वन डॉट ए बी सी या ए वन डॉट एक्स वाई जी. ठीक है, मैंने इसको प्ले किया, ये हमारा पिछला टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था आपको दोनों के आउटपुट नजर आ रहे हैं. आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू शो करवानी होगी, तो क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे ए वन डॉट एच. अब आपको देखो आउटपुट में आ जाएगा 24. क्लियर, क्योंकि आप डायरेक्ट एज नहीं ले सकते, क्योंकि आपका वो इंस्टेंस वेरिएबल है ऑफ ए क्लास और आपने ए वन में स्टोर किया, तो हम क्या लिखेंगे, ए वन डॉट एज किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दिखाने के लिए. डन. इसलिए आपको मैंने कहा था कोई भी रिटर्न वाली रिटर्न वाला फंक्शन होगा तो उसको हम प्रिंट एलन या वेरिएबल में स्टोर करा के फिर आप भी आप कर सकते हो. डायरेक्ट अगर आपने आउटपुट देना है तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर दो प्रिंट एलन में, अगर वेरिएबल में स्टोर कराना होगा तो वेरिएबल में स्टोर करा के उस वेरिएबल को आउटपुट में, ही हमने लास्ट में देखा था. क्लियर. ओके, अब आते हैं हम स्टैटिक के ऊपर. ये आपका सिंपल सा था, मैं इसमें एज को काट देता हूँ स्टैटिक. एज को क्या कर दिया मैंने, स्टैटिक. अगर आप इनका पब्लिक यूज कर रहे हो तो पब्लिक पहले लिखोगे, मॉडिफायर पहले आएगा, वरना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट का लगा होता है. क्लियर. आपने यूज करना है आप यूज कर लो. ओके, मैंने लगाया स्टैटिक. स्टैटिक के बाद देखो यहाँ पे एरर दे रहा. ओके, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, आपको मैंने बोला है कि तीनों के साथ शेयर होता है, तीनों के साथ शेयर होगा, तो आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं हैंडल करते. देन अगर मैंने स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, मैं इतना स्टोर नहीं करूंगा. मैं किस तरह स्टोर करूंगा, डायरेक्ट क्लास के थ्रू, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता. स्टैटिक वेरिएबल के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. क्यों जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब आप तीन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेट्स सपोज ए वन ए टू ए थ्री, तो उसकी कॉपी जनरेट हुई है और हर ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उस वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट स्टोर करानी थी. डन. अब स्टैटिक वेरिएबल में कॉपीज तो बनी नहीं है, एक ही कॉपी बन रही है, तीनों में शेयर हो रही है, तो उसमें तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़नी नहीं है. तो आप क्या करोगे, वो डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू यूज करोगे. डन. किस तरह, अभी आप लिख रहे थे ए वन डॉट एज, अब आप देखो अगर आप ए वन डॉट लिखते हो आपको यहाँ पे एज नहीं मिल रहा. ठीक है, आप क्या लिखोगे, क्लास नेम डायरेक्ट ए डॉट, अब एज मिल गया, एज इज इक्वल टू 27. इसी तरह करके अगर आउटपुट में दिखाना होगा ए डॉट, ये वैल्यू जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे हर ऑब्जेक्ट के साथ 27 सेव होगी. अगर आपने अपडेट करना होगा, जिस तरह हम वेरिएबल को यूज करते हैं, आप यहां पे आगे लिख दो ए डॉट एज इज इक्वल टू 34. यहां तक, इस लाइन तक 27 था, लेकिन इसके बाद 34 एग्जीक्यूट होगा. बाकी कॉन्सेप्ट वही है, जिसको कॉन्स्टेंट नहीं कहना, कि कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक दफा इनिशियलाइज कराने के बाद वो दोबारा
रीअसाइन नहीं होता, लेकिन जो स्टैटिक होता है इसको आप बार बार अपडेट कर सकते हो वैल्यू को। बस मतलब ये होता है कि उसकी अलग अलग मेमोरी नहीं मिलनी, सबको एक ही मेमोरी शेयर होगी, सबके साथ क्या होगी एक ही मेमोरी शेयर होगी, इसकी बार बार कॉपीज नहीं बनती, एक ही कॉपी बनती है, मतलब यह एक ही मेमोरी बनती है जो सबके साथ शेयर होती है। धन्यवाद, यहां तक क्लियर? ओके, सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं एबीसी को स्टैटिक कर देता हूं, अब फंक्शन की तरफ आ गए, अगर मैं एबीसी को जिसने हमने वेरिएबल देखा था, आपने वेरिएबल किसने चलाया था थ्रू क्लास नेम, इसी तरह करके फंक्शन की भी मेमोरी एक ही एलोकेट होगी, तीनों के अंदर एक ही फंक्शन शेयर होगा, तो उसमें भी आप ये करोगे, देखो यहाँ पे एरर दे रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा ए डॉट ए बी सी, ठीक है, ये डायरेक्ट आप चाहे वेरिएबल को स्टैटिक करते हो, चाहे आप कॉन्स्टेंट को स्टैटिक करते हो, कॉन्स्टेंट का फाइनल लगाया होगा, या जिसको आपने क्या नाम है फंक्शन को स्टैटिक किया होगा, आपको उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे क्लास नेम डॉट, अब इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़नी। ओके, ये इसको मैंने प्ले किया, ये देखो आपको प्ले हो जाएगा, लेकिन किसके थ्रू होगा क्लास नेम, इसका मतलब ये है कि अब ये फंक्शन तीनों के अंदर सेपरेटली नहीं कॉपी हुआ है, ये एक ही कॉपी जनरेट हुई है जो तीनों के साथ शेयर हुई है। डन, सॉरी वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, सिर्फ फर्क क्या होगा देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टैटिक फाइनल, वो कह रहा है इसको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाएं, ओके अब वो कह रहा है इसकी वैल्यूज आप बनाएं या इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको वैल्यू कोई दें, वो तभी एरर दे रहा था। क्लियर बात यहां तक? अब ये जो एक्सेस होगा किसके थ्रू होगा आपका क्लास नेम के थ्रू। डन, क्लियर? यहां तक कोई इशू? और इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, उसकी तो वैल्यू अपडेट हो रही थी, उसकी वैल्यू आपकी अपडेट नहीं होगी क्योंकि कॉन्स्टेंट है आपका। डन, ओके, हमारा मेथड भी हो गया, हमारा वेरिएबल भी हो गया। डन, ओके, अब मैंने क्लास बी बनाई हुई है, इस क्लास बी को के अंदर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग फादर नेम स्ट्रिंग एड्रेस, क्लियर? ओके, इसके अंदर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड्स विद ए, क्लियर बात यहाँ तक, एक्सटेंड्स विद ए। अब इसके अंदर एक वेरिएबल को मैं कर देता हूँ स्टैटिक, एड्रेस को मैंने क्या कर दिया स्टैटिक कर दिया, और इसके अंदर एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले, और इसको यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ स्टैटिक, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ शो। डन, अब इसको अगर मैंने चलाना होगा किसना चलाऊंगा मैं, अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपने एफ नेम करना है तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़नी है क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, आपकी ये एब्स्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना ले आना कि मेरी क्लास के अंदर कोई एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, ये नहीं है, आपकी क्लास स्टैटिक नहीं है, आपकी क्लास नॉर्मल ही है, लेकिन इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक फंक्शंस मौजूद हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या नॉन स्टैटिक फंक्शन भी मौजूद हैं, जो आपके नॉन स्टैटिक होंगे उनको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो आपके नॉन स्टैटिक हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए होगा क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ए डॉट, ए डॉट के अंदर आपके सिर्फ दो स्टैटिक थे, पेरेंट के पास एक्सेस सिर्फ अपनी होगी ना, ए एज और ए बी सी, और अगर बी डॉट लिखते हो एड्रेस इसका अपना है और डिस्प्लेस का अपना है, बाकी ए बी सी और एज किसके आ रहे हैं फ्रॉम पेरेंट क्लास मीन्स ए, बाकी इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं आपने अगर उनको यूज करना होगा तो आपको बी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, आप लिखोगे बी वन डॉट एफ नेम मार्क्स और ये नेम, इसके अलावा एक्स वाई जेड फंक्शन उसका यूज हो रहा है, ये किसका है पेरेंट का,
बात क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो आपके नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं उनको आप यूज करोगे विद ऑब्जेक्ट, और जो स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक फंक्शन होंगे उनको हम यूज करेंगे विद क्लास नेम, और कुछ भी नहीं है। डन? ओके, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं। मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पैरामीटराइज्ड, मेरे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कितने शो कर रहा है, कौन से वाला शो नहीं कर रहा, स्टैटिक वाला शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं शो कर रहा, कुछ मुझे बता सकते हैं रीजन? बिल्कुल, इन्होंने भी सही बोला है, स्टैटिक अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बना ही नहीं सकते, उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि स्टैटिक वेरिएबल को आपके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए क्लास, उसका ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होगा, तो अगर आप उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हो तो वो यूज होना ही नहीं है। डन? तो इसका कंस्ट्रक्टर में आप यूज नहीं कर सकते। डन? क्लियर? तो जो आपके नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो आप एक कंस्ट्रक्टर में आते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स आप एक कंस्ट्रक्टर में नहीं आते, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट, आपको उसकी ऑब्जेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है जब आप उसकी मेमोरी एलोकेट करते हो, तो इसमें आप मेमोरी एलोकेट करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डन? क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम सी की तरफ आते हैं। ओके, सी के अंदर आके मैं यहां पे करता हूं, स्ट्रिंग ई नेम, ये वेरिएबल अभी तो कोई नहीं बना हुआ, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, ओके, सैलरी, या वेरिएबल्स बना रहे हैं। डन? फंक्शंस बना लेते हैं इनके, सिंपल है। अच्छा अब बातें स्टैटिक क्लास की तरफ, स्टैटिक क्लास क्या होती है, उसके पहले हम आते हैं, इससे पहले हम पहले मैं आप बात कर लेते हैं आउटर क्लास और इनर क्लास। एक आउटर क्लास होती है और एक क्या होती है, इनर क्लास। आउटर क्लास का मतलब हो गया कोई भी जो आपकी बाहर वाली क्लास है वो आपकी आउटर क्लास होगी, और इनर क्लास कौन सी होगी, जो आप इसके अंदर बनाओगे। डन? सी शार्प के अंदर आपकी आउटर क्लास स्टैटिक हो जाती है, जावा के अंदर आपकी आउटर क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं होगी, हमेशा जो आपकी स्टैटिक होगी वो आपकी इनर क्लास होगी, जावा के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है, जावा के अंदर आपकी कभी भी आउटर क्लास स्टैटिक नहीं होगी, आपकी इनर क्लास स्टैटिक होगी। क्लियर? ये थोड़ा ट्रिकी है, उसको थोड़ा गौर से समझना। इसके अंदर मैं क्लास बना रहा हूं पब्लिक क्लास ई, पब्लिक क्लास ई, ठीक है, दोनों क्लास मेरी स्टैटिक नहीं है, ना आउटर में ना मेरी इनर। डन? बात यहां तक, ये मेरी आउटर क्लास है, आउटर क्लास के अंदर मैंने ये थ्री वेरिएबल्स बनाए हैं, मैंने कोई इनहेरिटेंस नहीं लगाई है, और एक फंक्शन बनाया है वो भी मेरा नॉन स्टैटिक फंक्शन है, उसके अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ वो भी मेरी इनर क्लास ई नाम से है, लेकिन वो भी क्या है, मेरी नॉन स्टैटिक क्लास है। डन? इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं, और एक फंक्शन बना रहा हूं, डन? क्लियर? ओके, अभी मैं इनर क्लास को स्टैटिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर मैं इनर क्लास को नॉन स्टैटिक रखता हूँ, ठीक है, मैंने इनर क्लास क्या कर दी, स्टैटिक अलाउ हो गया, या आपने इनर क्लास को कर दी पब्लिक स्टैटिक क्लास ई, क्लियर? जब आपने पब्लिक स्टैटिक क्लास ई लिखा है, अब मैं एबीसी के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वेरिएबल की आउटपुट देना चाह रहा हूँ, वो कौन सा वेरिएबल है,
जो मेरा ऊपर बना हुआ ई नेम, ऊपर बना भी ई नेम मेरा, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, नहीं शो करेगा, एरर क्या दे रहा है? वो कह रहे हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टैटिक क्लास के अंदर नहीं यूज कर सकते। अगर आपने ई नेम इसके अंदर वाली क्लास में यूज करना है तो आपको ई नेम को स्टैटिक करना होगा, ठीक है। अब एक चीज अब मैं क्लियर कर देता हूं, जो आपकी नॉन स्टैटिक क्लास होती है, नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर आपके स्टैटिक चीजें भी यूज हो सकती हैं, चीज कोई भी कह दो वेरिएबल या फंक्शन, और नॉन स्टैटिक भी यूज हो सकते हैं, डन। लेकिन जो आपकी क्लास स्टैटिक क्लास होगी उसके अंदर बस स्टैटिक चीजें यूज होंगी, ठीक है। अब मेरी जो ई क्लास थी वो मेरी क्या थी, स्टैटिक, और अगर उसके अंदर मैं वेरिएबल यूज करना चाह रहा था ई नेम का तो मुझे इसको स्टैटिक करना पड़ा है, क्लियर। या आप दूसरे में बात कर लो, अगर मैं सी को इनहेरिट कर दूं विद बी, और ए और बी में से मैंने कोई वेरिएबल यूज करना है यहां पे इनर क्लास में, तो वही एक्सेस होगा जो स्टैटिक होगा, बात क्लियर। स्टैटिक क्लास के अंदर बस स्टैटिक वेरिएबल्स आएंगे या स्टैटिक फंक्शन यूज होंगे, डन, क्लियर। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी। अच्छा, अब इसको यूज किस तरह करना है, अब ये अब आपका सवाल है। बाहर मेरी आउटर क्लास मेरी नॉन स्टैटिक होगी, ये आपको मैंने बता दिया, जावा के अंदर अलाउ नहीं है, आउटर क्लास को हम नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते, इनर क्लास को हम स्टैटिक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनर क्लास को स्टैटिक कर दी, जब आपने उसको स्टैटिक कर दिया है तो उसके अंदर आपने अगर वेरिएबल यूज करने हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और क्लास के यूज करना चाह रहे हो तो वो आपके स्टैटिक होने चाहिए। या तो अब इसकी बात कर लो, या तो इनहेरिट के थ्रू आप किसी पेरेंट का वेरिएबल यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो वो लाजमी स्टैटिक होगा, ओके। अच्छा, अब इसके ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। मैं सबको कमेंट्स में कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं सी का। सी मेरी कौन सी क्लास है, आउटर या इनर? आउटर। मैंने लिखा सी, सी वन इज इक्वल टू न्यू सी, सिंपल। सी वन डॉट लिखा, कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, डेजिग्नेशन और सैलरी, और एक फंक्शन आ रहा है शो, ठीक है। ये सारे कौन से थे, सी के वाले नॉन स्टैटिक, ये फंक्शन ही मेरा नॉन स्टैटिक था और ये दो वेरिएबल्स भी मेरे नॉन स्टैटिक थे। मैंने ई नेम यूज करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट सी डॉट, क्लियर, कोई इशू यहां तक, कोई इशू नहीं, ओके। अच्छा, C1 के थ्रू तो आपको सिर्फ इसका यूज हो रहे हो, अब आप कहोगे कि मैंने इसको यूज करना है डी क्लास, ई क्लास, सॉरी ई क्लास का मैंने हाइट वाला वेरिएबल यूज करना है या ई क्लास का मैंने एबीसी वाला फंक्शन कॉल करना है, ये आपको वहां पे शो नहीं हुए हैं, ओके। इसको हम कैसे यूज करेंगे, आप अगर कहते हो कि मेरी ई क्लास क्या है, स्टैटिक है, मैं डायरेक्ट ई लिख रहा हूं, ये आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ई नाम की आपने कोई क्लास नहीं बनाई है। E वाली क्लास मेरी किस क्लास के अंदर है, C के अंदर, तो ये आपको समझ लो कि ये आपका इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस इसकी नहीं है, ओके। अब आपको एक और पता है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता क्योंकि E मेरी स्टैटिक है, जो चीज मेरी स्टैटिक होती है उसको मैं ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी सॉरी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी डॉट ई, क्योंकि ई मेरा क्या है, स्टैटिक क्लास थी तो वो डायरेक्ट क्लास के थ्रू यूज होगी। यहां पे लिख देता हूं मैं सी इज इक्वल टू न्यू सी डॉट ई, दैट्स इट, क्योंकि ई हमारी क्लास स्टैटिक थी तो स्टैटिक जो भी चीज होती है वो डायरेक्ट क्लास के थ्रू यूज होती है, देन बात यहां तक। अब आप अगर लिखते हो सी डॉट तो ये चीजें आपको कौन सी दिखा रहे हैं, डन। मैं यहाँ पे एबीसी रन करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, जो हमने वहां पे लिखा था, इनर क्लास और अवैस। अवैस किसका था हमारा वेरिएबल, सी का,
ये हमने सी का हमने वेरिएबल यूज किया था जो हमने स्टैटिक करके ई के अंदर यूज ले आए थे। हमारा ई नेम वाला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था इन सी, लेकिन इनिशियलाइज मैंने कहाँ पे किया था, इन ई। तो हमने यहाँ वहाँ पे ई के अंदर हम इसको प्रिंट एलन कर रहे थे। डन, कोई इशू यहाँ तक? कोई इशू नहीं। ओके, अब दूसरी तरफ आते हैं हम। मैं सारा कोड ये कॉपी करता हूँ, ये डी के अंदर रखता हूँ मैं। इस क्लास को मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ। ओके, अब मेरी यहाँ पे एक डी क्लास है। डी क्लास के अंदर मेरी इनर क्लास कौन सी है? एफ। वेरिएबल्स में सेम रख रहा हूँ, ई नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, शो रख रहा हूँ, जिसका नाम है शो वन कर देता हूँ ताकि आपको सेम नहीं है, और यहाँ पे रख देता हूँ ए बी बस। ओके ओके, यहाँ पे ओके फाइन, हाइट हम यूज कर लेते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका डन है। ओके अच्छा, अब मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, हमने स्टैटिक क्लास देख ली, अब मैं इसको कर रहा हूँ नॉन स्टैटिक क्लास। ठीक है, स्टैटिक क्लास थी तो आपको मैंने बताया था कि स्टैटिक क्लास के अंदर बस आपकी स्टैटिक चीजें आ सकती हैं। अब आपने कौन सी क्लास एफ क्या कर दी? नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक के अंदर देखा आपको स्टैटिक चल रहा है वेरिएबल, और अगर मैं ये लिखता हूँ और एक और वेरिएबल हमारा सैलरी के नाम से था, ठीक है, जो स्टैटिक क्लास होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर जस्ट स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शंस होंगे, लेकिन जो मेरी नॉन स्टैटिक होगी, ठीक है, सॉरी नॉन स्टैटिक के अंदर और स्टैटिक के अंदर बस स्टैटिक होंगे। डन, क्लियर। अच्छा, अब बात आती है इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सारा कुछ सेम ही था, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। अब आपकी दोनों क्लास आपकी स्टैटिक नहीं है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर? क्या क्या है, क्या हम डी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? डी डी वन इज इक्वल टू न्यू डी, क्लियर। ओके, आप इसको किस तरह एक्सेस करेंगे? डी वन डॉट, ये किसके दिखा रहा है? ये तो डी के दिखा रहा है, एफ पे नहीं दिखा रहा। अब मैं लिखता हूँ डी वन डॉट एफ, ए बी सी इज इक्वल टू न्यू डी वन डॉट एफ। नहीं चला रहा, क्या ख्याल है? ये आपका डी डॉट एफ होगा। आगे डी डॉट एफ तो लिख दिया आपने, मेमोरी एलोकेट करते वक्त आपने करना है यहां पे इज इक्वल टू, इतना यूज नहीं करना, इसके हम लिखेंगे, जरा देख लो, डी डॉट एफ, या बता रहे हो डी के अंदर एफ का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। डन, अब आपको पता है जो मेरी इनर क्लास थी वो मेरी नॉन स्टैटिक थी। ओके, तो आप यहां पे इतना नहीं लिखोगे न्यू डी डॉट एफ। ओके, आपको जो मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी किसना करनी पड़ेगी? D1 उसका ऑब्जेक्ट डॉट न्यू F लाइक दिस। ठीक है, अब ये D डॉट F आपने लिखा ABC, आपने उसके अंदर वाली क्लास है तो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते ना, D1 डॉट A, D1 डॉट ABC लिखते फंक्शन कॉल करते थे, उस तरह ही हम कर रहे हैं D1 डॉट। अब डॉट की वजह से ये एफ को हमने चलाना है, लेकिन उसको एक नई मेमोरी एलोकेट कर दी न्यू एफ। अच्छा, इसको अगर हमने एक लाइन में करना है, ये अब आपने इनर क्लास यूज किया है विद टू वेरिएबल्स। अच्छा, पहले दिखा देता हूँ एबीसी डॉट यूज हो रहे हैं दोनों। ओके अच्छा, अब आप देख रहे हो मैंने टू लाइन में डिक्लेयर किया, अगर मैंने इनर क्लास को यूज करना पड़ेगा मुझे कितने ऑब्जेक्ट, कितनी लाइन में कोड किया मैंने? टू लाइन में। अगर इसी लाइन को मैं अगर एक लाइन में करना चाहूँ किस तरह करोगे? डी डॉट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, स्टार्ट में पहले आपने क्या लिखा था? डी वन मेमरी एलोकेट थी, अब आप यहां पे लिख दो कि डायरेक्ट न्यू डी, मेमरी एलोकेट नहीं है, डॉट न्यू एफ। ये एक लाइन में हो गया कोड, इसको हम दोबारा अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा डी डॉट एफ एक्स वाई यू इज इक्वल टू न्यू
डी डॉट न्यू इनर से अगर आप इनर आते रहोगे ना, ये न्यू न्यू लगता रहेगा आपको बस। आप ये नहीं कि सिर्फ एक इनर बना सकते, इनर के अंदर मजीद हम इनर बना सकते हैं। क्लियर? सीशार मुझे नहीं आती, नोट आइडिया। ये सेम होगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है। मैंने आपको कहा था सी शार्प के अंदर ना आपकी आउटर क्लास भी स्टैटिक हो जाती है, जावा के अंदर आपकी आउटर क्लास स्टैटिक नहीं होगी जावा में। ओके, आउटर क्लास आपकी हमेशा नॉन स्टैटिक होगी, उसके अंदर आपने जितने बनाने होंगे वो आप स्टैटिक बना सकते हैं। डन? क्लियर? यहां तो कोई मसला? ओके, अच्छा अब आप जो मुझे पूछ रहे थे इसका यूज क्या है, इसका यार यूज ये है कि आपको इनहेरिटेंस नहीं करना पड़ रहा। दो अलग अलग पोर्शन कर दिए हैं लेकिन आपने इनहेरिटेंस नहीं यूज किया। शेयरिंग हो रही दो क्लासेस बट विदाउट इनहेरिटेंस, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, और स्टैटिक क्लास कब बना लोगे अगर आपको उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाना चाह रहे? क्लियर? ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नहीं होता आपका। देन बस ये याद रखो कि स्टैटिक वेरिएबल कंस्ट्रक्टर में आपका इनिशियलाइज नहीं होगा। और कोई सवाल यहां पे? डन?